हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोग के बीच मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और आज हम सूजी और दूध से मोदक तैयार करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिया है गैस पे और इस 3 से 4 धागा केसर इसमें डाल दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आता है और दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। देखिए, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और एक बाउल ले लेंगे। इससे 2 बाउल सूजी ले लेंगे और सूजी का डबल हम दूध ले लिया है, 4 से 5 बाउल। और देखिए, सूजी हल्का गर्म रहेगा तो इसमें हम सूजी डाल देंगे हल्का गर्म में और अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढक देंगे, 10 मिनट के रेस्ट पर छोड़ देंगे। देखिए, 10 मिनट बाद हमारा सूजी कितना अच्छे से दूध पर एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल फूल गया है। तब हम इसको अच्छे से करेंगे भुनाई। तो गैस पर रख देंगे एक कढ़ाई और इसको गर्म होने के बाद हम इसमें सारे मिश्रण को डाल देंगे और अच्छे से इसको लो मीडियम आंच पर इसको भूनेंगे। इसी तरह से हम चलाते जाएंगे, चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो बिल्कुल लम्स पड़ जाएगा। और इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए, ये मोदक बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है, बिल्कुल मावे के जैसा लगता है खाने में। और देखिए, 2 चम्मच हम फिर से और घी इसमें डाल दिया है और इसी तरह से चलाते जाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल मिश्रण को भुरभुरा बना लेना है। और देखिए, हमारा जो कढ़ाई जो पहले से हम इसमें लिया था तो उसमें चिपकने लगा था, तो हम दूसरा कढ़ाई चेंज कर लिया है, इसमें पलट लिए हैं और इसमें अच्छे से हम भूनेंगे और बिल्कुल इसको मिश्रण को भुरभुरा हो जाएगा तब मोदक बनाने के लायक हो जाएगा। और देखिए, हमारा बिल्कुल ये भुरभुरा हो गया है। तो अब इसमें हम एक बाउल से थोड़ा सा कम ही है, इसमें हम नारियल का पाउडर डाल देंगे और इसी तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और हमारा ये मिश्रण बन करके हो गया है तैयार। तब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसमें 2 चम्मच फिर से हम मिल्क पाउडर डाल देंगे, से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मावे की तरह। और देखिए, बिल्कुल मिश्रण कितना अच्छा भुरभुरा, बिल्कुल मावे की तरह बन करके तैयार हो गया है। और इसको हल्का ठंडा होने के बाद इसमें हम चीनी का पाउडर डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ढक करके अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, जो भी इसमें अच्छे से एडजॉर्ब हो जाएगा, पानी इसमें छोड़ेगा और अच्छे से सूजी एडजॉर्ब कर लेगा। आई होप कि आज की रेसिपी आप लोग का पसंद आया हो। पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, 5 मिनट बाद अच्छे से चीनी एडजॉर्ब हो गया है, सूजी और चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। और अब हम एक सच्चे ले लेंगे मोदक की, मोदक वाली सच्चा ले करके इसमें अच्छे से हम देखिए अब मोदक बनाएंगे। और देखिए, कितना अच्छा हमारा मोदक बन करके तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हम सारे मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। और ये बहुत आसानी से बन जाता है, कम सामान से, घर के रखा हुआ सामान से ये बन करके तैयार होता है मोदक और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप लोग भी इस गणेश चतुर्थी पर गणपति जी का भोग लगाने के लिए आप लोग ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं आप लोग का मोदक कैसा बना। और देखिए, हम आप लोग को तोड़ करके दिखाते हैं कितना अच्छा जी, बिल्कुल मावे की तरह बन करके तैयार हुआ है। तो फिर हम ऐसे ही एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।